गुड मॉर्निंग गाइस, कैसा गर्मी है बताओ पहले। इधर पे एक्सट्रीमली गर्मी पड़ चुका है, मतलब ऐसा स्टार्ट हो गया है कि फ़ैन ऑन करके भी राहत नहीं है, एसी या कूलर चलानी है। पर एवरी टाइम आप एसी या कूलर में तो नहीं रह सकते हो ना, जैसे खाना बनाना है, इधर उधर कर रहे हो तो कितना आप कूलर और एसी चला के रखोगे। सबसे बड़ी मुश्किल कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, ब्रेकफास्ट में गर्म गर्म कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। गुड मॉर्निंग काका सिंह, काकू सुबह उठती है, मॉर्निंग वॉक करने जाती है और फूल लेके आती है। সবাই কে ভালো রাখো, আমাকে ভালো রাখো, মামা কে ভালো রাখো, বাবা কে ভালো রাখো, সবাই তুমিও ভালো থেকো। নমস্কার, মকবানি শান, মকবানি শান, মকবানি শান। হ্যাঁ গিয়ে চলো। গ্লাকো ফ্লাইং কিস, থ্যাংক ইউ দিদি। मैं पानी लेके आई थी, पानी पीना था मुझे। গ্লাকো ने पानी के अंदर हाथ डुबा दिया। दाओ दी दाओ আমাকে এখনটা ধুতে হবে, তারপরে খেতে পারবো। দাও দাও, কি করছিস, পুরো জামা ভিজিয়ে দিল। কি করেছ, জল নেই তো মা, তুমি ভিজে গেছো মা, চলো আর না মা। फिर से हम लोग खा रहे हैं जैगरी, छत्तू और मुरमुरा या तो चिवैया। ये ब्रेकफास्ट में अच्छा लगता है बहुत गर्मी में। तो सत्तू के पैकेट के अंदर ना एक जौल जीरा का पैकेट रहता है, पर ये लोगों ने गलती से जौल जीरा नहीं डाल के जीरा का पैकेट दे दिया और ये पूरा जीरा का स्मेल हो गया है ये वाले सत्तू में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर पैकेट तो ख़त्म करनी है। कल ना ग्लाकुराम गिर गई थी ऐसे, इधर बिस्तर से इधर ड्राइव मारा था ना। मैं मम्मी रोटी बना रही थी, मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो अनिल किया, कैसे गिरा था वो, इधर पे बैठे थे, इधर पे, हाँ इधर से जंप किया और ऐसे उल्टा होके गिर गया। तो पैर नीचे था, मैं हाथ पकड़ लिया था, तो पता नहीं उसका पैर में लगा है या फिर वो अभी डर वो चलना नहीं चाह रही है अभी। पर देखो खड़े हो रहे हैं, हाँ इतने देर से खड़े है, उसको अगर प्रॉब्लम होता ऑलमोस्ट 15 मिनट से खड़े है यहाँ, पैर में दर्द होने से नहीं हो पाता शायद। तो हम लोग एक दिन वेट करेंगे, तो प्रॉब्लम अगर बढ़ता है तो रात को या कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ग्लाकू अचानक से जंप क्यों किया पता नहीं, कभी जंप नहीं करते, कभी भी जंप नहीं करते, कल फर्स्ट टाइम जंप किया। सुबह उठ के ऐसा लग रहा है कि दो पैर को उठी हुई, इतना गर्मी लग रहा है, अचानक से हुआ है, अचानक से इतना गर्मी ना, मतलब ग्रेजुअली गर्मी इंक्रीज होता है तो एक हैबिट में आता है, पर अचानक से अगर बहुत गर्मी हो जाता है ना। सो आज सोच रही हूँ बैंगन की सब्जी और दाल बनाऊंगी, फ्रीज से निकाला हुआ कोई भी सब्जी को ऐसे आप ऐसे करके रखो तो थोड़ा सा राहत मिलता है। आपको पता ही है गाइस, हम लोग रहते हैं एक रेंटेड हाउस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना टाइल्स है, इसके वजह से इसको क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है। सो मैंने रिसेंटली इसीलिए परचेस किया है अगारो इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। दिस इज़ द मेन यूनिट, इधर लगेगा सारे अटैचमेंट एंड दिस इज़ अ पावर बटन जिसको प्रेस करके आप स्पीड लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें दो स्पीड लिमिट है एंड दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। इसमें टोटल 7 अटैचमेंट्स है। दिस इज स्मॉल ब्रिसल ब्रश, दिस इज लॉन्ग ब्रिसल ब्रश, पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश। ये तीनों ब्रश ही आप डायरेक्टली मशीन में अटैच कर सकते हैं। एंड ये है स्क्रबर ब्रश, नॉर्मल स्पंज ब्रश, उलेन क्लॉथ ब्रश एंड क्लॉथ ब्रश। ये चारों अटैचमेंट के लिए आपको पहले वेलक्रो हेड को इस मशीन में अटैच करनी होती है, उसके बाद आप सारे अटैचमेंट को इसके ऊपर ईजीली अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक एक्सटेंशन ट्यूब भी मिलता है, हार्ड टू रीच एरिया हो या अगर आपको खड़े होके कहीं पे क्लीन करना है
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी लेंथ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेन यूनिट पे इसको इस तरह से आपको अटैच करनी होती है। 3 to 4 hours की चार्ज में ये 90 minutes तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आप वॉल पे इसको हैंग भी कर सकते हैं। टिकॉन हैंगर भी इसके साथ आपको मिल जाता है। दिस इज लार्ज ब्रिशल ब्रश। इसको यूज़ करके आप फ्लोर को हो, किचन को हो, या आपके बाथरूम की जो टाइल है, मार्बल फ्लोरिंग है, और बस आप इसको पकड़ के रखो। आपको कोई भी प्रेशर नहीं देना है, अपने आप ये आपके फ्लोर हो, किचन हो, इसको क्लीन कर देता है। थोड़ा सा छोटे सरफेस के लिए आप स्मॉल ब्रिशल ब्रश को यूज़ करो, और थोड़ा सा कर्व एरिया हो जैसे लाइक वॉश बेसिन, इसके लिए आप पॉइंटेड ब्रिशल ब्रश को यूज़ कीजिए। हमारे जैसे जो लोग ब्रेंडेड हाउस में रहते हैं ना, बहुत पुराना वॉश बेसिन है, गाना बहुत है। यह है वुलन ब्रश, इसकी मदद से आप पॉलिशिंग भी कर सकते हो, लाइक कोई वुडन टेबल हो। देखो, लुक एट दिस रिजल्ट, वाओ। इस ब्रश से आप कार की बाहर की एरिया हो, मिरर, ग्लासेस, सारे चीज़ें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। 3-4 महीने में हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं हमारे ओन हाउस पे, जहाँ पे सारे वॉशरूम्स पे मिरर पार्टीशन होगा, तो उसको क्लीन करने के लिए एकदम एप्रोप्रिएट रहेगा। किचन या फ्लोर पे कहीं पे अगर हम कोई चीज़ रखते हैं ना, तो उसका एक गंदा सा दाग पड़ जाता है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस ब्रश से आप जस्ट चुटकियों में वो दाग निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर आप क्लीनिंग एजेंट स्प्रे करके। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे मॉपिंग करना है, तो इसके लिए आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, टू चेक इट आउट। इधर ग्लॉकू का सारे बॉटल्स जो है ना, वो स्टेरिलाइज हो रहा है, और इधर पे मैंने बैंगन को भरता बनाने के लिए एयर फ्राई पे बिठाया है। इधर मैंने सब कुछ भिगो दिया है, चॉप कर दिया है। ये दाल बनाएंगी मम्मी, ये वाइट टोमेटो से, एक्चुअली ये कच्चा टोमेटो है, थोड़ा सा हार्ड रहता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा रहता है। और बैंगन के भरते के लिए अनियन, जिंजर गार्लिक, टमाटर सब दे दिया है, चॉप कर दिया है। हम लोग निकलेंगे और मम्मी ये बनाएंगी। समझ में नहीं आ रहा है, एक बार लग रहा है कि अभी ग्लॉकू को लेके चलती हूँ डॉक्टर के पास, वो शायद नहीं, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, चल नहीं पा रही। फिर देखो काफ़ी स्पीड से वो क्रॉल कर रही है, अगर नी में लगा भी है ना, तो इतने ज़ोर से वो नहीं कर सकती है। एक्चुअली मम्मी बोल रही है, क्या क्या होता है कि भाई बच्चा गिर जाता है ना, तो उसको बहुत डर लगता है, फिर वो अगर कॉशस रहता है ना, तो वैसे वो नहीं करना चाहता है। पर जैसे वो अनकॉन्शियस है, मतलब हम लोग खेल के अंदर उसको हाथ पकड़ रहे हैं, तो आ रही है। एका उठ लो फटे, बस सर्वनाश। ऐसे माउस से कट 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 क्लिक करछ, देखो না আমাদের যেমন ধর আমাদেরও খুব হার্ড, বিশাল হার্ড ওয়াটার, বাট ওরা আর কি আমাদের যে ফ্ল্যাগটা আছে, ওরা আর কি ন্যাচারালি একটা প্ল্যান্ট বসিয়েছে সফট করার জন্য। এই খাবি, গ্লাকুকে পছন্দ নেই হ্যাঁ, ও তো গ্লাকুকে লিয়ে ছোটা পিস, গ্লাকু জ্যাসা টক টক। ইদার আমলা, আমলা কা জুস জো হয় না, ও পি লেতে। आइए, अरे खाओ बाबा को चोकर। कभी कभी देख, इतना मिष्टी है, इतना देख, इतना देख, इतना ओवर राइप, इतना देख ओवर राइप, इतना भालो, इतना भालो, ना कोई ना खेला खेला खेला, एक बार खा, एक बार खा, थक से लाखों को सारा इंडियन फ्रूट्स पसंद है, उसको ये फॉरेन वाला फ्रूट्स पसंद नहीं है। देख ही तो खिलाए, नहीं वो और भी था ना, एवोकाडो कीवी। एवोकाडो कब दिया उसको? सो फाइनली ग्लाकू को लेके नहीं आई हूँ डॉक्टर के पास, कल लेके जाऊंगी अगर डेटोरिएट होता है सिचुएशन। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो ही गई थी, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा फिर वेजिटेबल लेके आते हैं, क्योंकि वेजिटेबल घर पे ख़त्म होने को है, और ख़त्म ही हो गया है एक्चुअली। और मम्मी को मैं बोलती हूँ कि आजकल आप मत जाओ धूप में, क्योंकि इतना धूप भर गया है ना कि सनस्ट्रोक हो जाएगा। मतलब सुबह 8 बजे को मान लो खुलता है दुकान, तो 8 बजे से ही मतलब एक्सट्रीम हो रहा है। बेगुन भाजा हबे एक दिन, बेगुन भरता हबे एक दिन, बेगुन पोड़ा हबे एक दिन। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never
said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until छोटे पापा ने आके नहा लिया। ग्लाकू को गुस्सा आ गया। ग्लाकू नींद में थी, पापा के साथ कहाँ थी, शावर में देख रहे हैं कि पानी रेडी हो रहा है कि नहीं। पानी रेडी हो रहा है। जल खाबे मो खेचिलो किछु ओकटु खेजु दान गो खेजु दान एकटु ओ खेजुल खाबे खेजुल ए खोले की बात ओ तई तई जई जई खाने आरो ए पाछे हां ई सब डिजाइन आजकल केनो ভালো হইতো হলদি রামসের প্যাকেটও তেরো মিনিট ডিজাইন হয় আর কি ভাদি প্রেস করো দানাটা বার করো ভিতরে খাবে 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 কি দানা কোথা দিয়ে যাচ্ছে ওফ দানাটা বার করো খেজুরে দানাটা বার করতে পারছো না भालो खेते ये वाला जो डेट्स है ना बहुत अलग है देखो बहुत अच्छा होता है टेस्टी भी होता है और एक के साथ ना एक चिपक के नहीं रहता है खेच सकता सो ये वेजिटेबल्स लेके आई हूँ ये ग्लाकू का बनाना ये अनिर्वाण मम्मी मिस मोस्टली खाते हैं मुझे बनाना पसंद नहीं आता है अनिर्वाण का ना एक्चुअली बहुत वेट लॉस हो रहा है 2 kg वेट लॉस हो गया है काम का प्रेशर की वजह से ना और ये लेके आई हूँ इसको आप लोग क्या बोलते हो हम लोग इसको बोलते हैं ओल ओल कोचू ओल कोचू हमारा पाए पड़े गल और ये है बैंगन अनिर्वाण को फ्राई खाना है और ये है बनाना स्टेम और फूल गोभी बहुत अच्छा मिला है देखो एकदम वाइट ए ग्लाकू नांगू पांगू का ना टैंपो पे ग्लाकू ये क्या हो रहा है क्या बन रहा है भात ग्लाकू बोलो भात तुम भात खाबे मैं अभी नहाने जाऊंगी इसीलिए आगे कपड़ा भी चेंज नहीं किया अनिर्वाण गए थे सो आप लोग बोलते हो कि अरे तुम ऑर्डर क्यों नहीं करते हो तो ऑर्डर करने पे मुश्किल ये है ना कि गाइस देखो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा वेजिटेबल कैसे है तो देख के लेने का एक ये रहता है जैसे मुझे शोबेदा लेना था चीकू पर वो थोड़ा सा हार्ड था तो मैंने नहीं लिया तो मतलब वही देख के लेती हूँ इसीलिए जाके लेके आती हूँ सोचा शाम को तरबूज खा लेंगे पर ये पूरा तरबूज जो है ना वो ख़राब निकला थोड़ा सा स्मेल है इसके अंदर देख के पता नहीं चल रहा है ना जितना आप काम से भागोगे उतना ही काम आपका पीछे नहीं छोड़ेगा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल 1/2 teaspoon सॉल्ट 1/2 lemon और थोड़ा सा पेपर पाउडर लिया है इसके अंदर मैं थोड़ा सा पीनट बटर ऐड कर रही हूँ ग्लाकू के लिए फिर से स्ट्रॉबेरी लेके आई थी पर उसने रिजेक्ट कर दिया नहीं खाया ओके सो नेक्स्ट बैक टू द रेसिपी मैं थोड़ा सा इस ड्रेसिंग के अंदर लेट्यूस डाल रही हूँ और ये है टोफू तो टोफू को ना मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में एयर फ्राई कर लिया था सो इसके अंदर टोफू पीनट्स डाला है और लेट्यूस तो था ही ऑलरेडी और ड्रेसिंग भी मैंने आपको दिखाया तो अभी मिक्स करना है ऊपर से कलर ऐड कर ही दिया है थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी डाल के ये क्या है तुम उधर पे टोफू टोफू कुछ बोल रहे थे वीडियो के लिए उठा ही नहीं पा रहा है अरे हरि रे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ के आनंद तो व्यापक हो गई ग्लाकू ऑनली टोफू खा रही है उसने रिजेक्ट कर दिया है स्ट्रॉबेरी को कोको कोई कोको डाको तो कोको अब डाको कोको दीदी को बोला थी अनिर्वाण ने बोला कि उसको भूख लग रहा है कुछ बिस्किट दो दिया था मैंने पर देख आउटपुट देखो बिस्किट का ग्लाकू मोटर डाको सिंह अरे बाबा ले आए अनिर्वाण ने उसके माथे पे भी टीका लगा दिया क्यों बिंदी बिंदी बड़ा सा बिंदी छोटा सा नहीं बड़ा सा बिंदी ओ ग्लाकू सिंह ओके दियो ना ये सब इस ओके चॉकलेट चाटाच्छे की रकम बाबा के जाने अम्मा
দেখি বিভৎস লাগছে ডাকাত। कल मिलेट की ढोसा या इडली बनाऊंगी, तो आप लोगों ने पूछा था कि मिलेट कौन सा वाला मिलेट है, तो नाम तो मुझे नहीं पता। मिलेट ऐसे दिखता है, 2 कप मिलेट और 1 कप उड़द दाल भिगो के रखा है। 5-6 घंटा हो गया है बस रेडी। इसको ढक्कन लगा के, मैं कोई गर्म जगह, वैसे ही बहुत गर्मी है, ऐसे ही फर्मेंटेड हो जाएगा, फिर भी राइस कुकर के अंदर रखने से जो है ना वो अच्छे से फर्मेंटेड होता है। अभी लगता है ग्लाकू ठीक हो गई है, खुद से ही चल रही है, खुद से ही खड़ी हो गई है। एक्चुअली मुझे लगता है उसको लगी नहीं थी, उसको डर लग गया था कि पता नहीं, पर वो चल रही थी रुक रुक के, खुद से भी कर रही है थोड़ा। ग्लाकू पाए बैठा पाए बैठा और भावे पड़े गए चले। ओ आशो तो देखी पापा हाथी हाथी पापा पड़ जावे। जैसे मैं एवरीडे काम करते करते आपके साथ बात करती हूँ, पर आज नहीं किया बिकॉज अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा चीखे स्टार्ट हो गया है। कम से कम मैं शाम से स्टार्ट हुआ है अभी रात के 10 बज रहा है, कम से कम मैंने 50 बार चीखे में मेरा आ चुका है। सो खाना तो रेडी है, सुबह को जो बनाया था वही एक्स्ट्रा है, वही खाएँगे रोटी के साथ, और ब्लॉग को लेंदी नहीं करूँगी, कुछ बारे में आपके साथ बात करनी थी, नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। ब्लॉग को अभी सही है, उसके पैर का दर्द ठीक हो गया है, आई गेस वो डर की वजह से ऐसे कर रही थी। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। As you fade away